अभी के टाइम पर ये दोनों ही स्मार्टफोन मार्केट को हिला रहे हैं, जिसमें एक है IQ Gen 9 और दूसरा है OnePlus Note 3 स्मार्टफोन। अगर आप भी चाहते थे 20,000 में एक बेहतरीन स्मार्टफोन खरीदना जिसमें आपको बेहतरीन गेमिंग मिले, बेहतरीन कैमरा, बेहतरीन डिस्प्ले और बेहतरीन बैटरी बैकअप, तो ये दोनों स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन होंगे। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन में से अगर हमें एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो वो स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको बताया कि OnePlus Note 3 का प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, और अभी के टाइम पर अगर बात को OnePlus Note 3 से पहले 20,000 में IQ Gen 9 भाई बेस्ट स्मार्टफोन था गेमिंग के लिए आज से, लेकिन सच बताऊं तो अब वो नहीं रहने वाला है। तो चलिए यहां पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स की, और यहां पर मैंने गेमिंग की बात कर ही ली है तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि कौन सा स्मार्टफोन गेमिंग के लिहाज से बेहतरीन स्मार्टफोन है। IQ Gen 9 की बात करूं तो ये स्मार्टफोन आता है MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट के साथ, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसके Android वर्जन की, Android 14 के साथ ये स्मार्टफोन आता है। स्टोरेज टाइप की बात करूं तो UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप हमें देखने को मिलती है, एंड यहां पर अगर मैं बात करता हूं रैम रोम टाइप की तो LPDDR4X टाइप की रैम देखने को जाती है, जो कि इस प्राइसिंग में नॉर्मल है। अगर मैं दूसरी तरफ OnePlus Note 3 की तरफ देखता हूं तो ये स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है MediaTek के ही काफी पावरफुल चिपसेट के साथ, जिसमें MediaTek Dimensity 9000 हमें देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर Android वर्जन की बात करूं तो यहाँ पर Android 14 देखने मिलने वाला है। इस टाइप की बात करें तो यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप देखने मिल जाती है, और यहाँ पर अगर मैं रैम की बात करता हूँ तो LPDDR5X टाइप की रैम देखने जाती है, जो कि इस प्राइसिंग के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है। और स्मार्टफोन एंटीटू बेंचमार्क स्कोर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को जानने में। और यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ ना, तो नो डाउट यार OnePlus Note 3 की स्पीड काफी अच्छी देखने जाती है। और यहाँ पर अगर मैं Android वर्जन की बात और यहाँ पर अगर मैं एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की बात करता हूँ, वो भी आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, मैं बात करता हूँ गेमिंग की, या हम बात करते हैं अगर आप BGMI जैसे गेम्स खेलते हो यहाँ पर ग्राफिक्स की, तो आपको OnePlus Note 3 में ही आपको सारी चीजें अच्छी देखने को मिलने वाली है। मैंने काफी कुछ यहाँ पर कंपैरिजन किए थे पहले भी OnePlus Note 3 के, तो काफी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर हीटिंग इशू आते हैं, तो नहीं भाई इतने कोई मेजर हीटिंग इशू आपको देखने को नहीं मिलते। अभी के टाइम पर आपको भी पता है कि मौसम कैसा है, तो उस वजह से थोड़ा वार्म इशू आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर हीटिंग इशू की बात हूँ तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। और हाँ, अगर आप इसका बैटरी टेस्ट देखना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप जाकर जो है इसका बैटरी टेस्ट देख सकते हो। बात करते हैं डिजाइन एंड डिस्प्ले की। डिजाइन की बात करूं तो OnePlus Note 3 में देखने जाता है बैक में ग्लोजी बैक के साथ, जहां पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, थोड़ा बॉक्सी डिजाइन यहां पर देखने मिल जाता है। फ्रंट साइड में आता हूं तो मिड कंसोल डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। एंड यहां पर अगर मैं बात करता हूं स्मार्टफोन की ब्राइटनेस की, तो 1450 नीट्स की ब्राइटनेस यहां पर होने वाली है, बेजल्स काफी कम होंगे, और फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आप सबको पता भाई काफी तगड़ी डिस्प्ले होती है, जो इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले कलर्स होते हैं वो काफी बेहतरीन होते हैं। स्पीकर्स क्वालिटी भी ऑलवेज बेटर रहेगी स्मार्टफोन की, लेकिन अगर आप इसकी डिस्प्ले देखोगे ना, कोई मूवी वगैरह देखोगे, कोई कंटेंट वगैरह देखोगे, तो आप उसको एंजॉय करोगे, टोटल बात मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ IQ Gen 9 की बात करता हूँ डिजाइन एंड डिस्प्ले की, तो यहाँ पर भी बैटरी डिस्प्ले मिलती है, क्योंकि बैक का डिजाइन हालांकि यहाँ पर नॉर्मल ही देखने जाता है, ड्यूल कैमरा सेटअप है, थोड़ा बॉक्सी डिजाइन यहाँ पर भी मिलता है। एंड फ्रंट साइड में आता हूं तो यहाँ पर भी मिड कंसोल डिस्प्ले देखने मिल जाती है, डिस्प्ले एमोलेड देखने मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी अच्छी देखने मिल जाएगी, 1800 नीट्स की। एंड बेजल्स है यहाँ पर भी देखने मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी अगर मैं डिस्प्ले कलर्स की बात करूं, व्यूज एंगल की बात करूं, तो ओवरऑल वो भी अच्छे देखने जाते हैं। तो थे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले एंड डिजाइन, आप बताना आपको कौन से स्मार्टफोन का डिस्प्ले एंड डिजाइन अच्छा लगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मेरे हिसाब से, देखो नो डाउट जो ब्राइटनेस है ना वो थोड़ी आपको IQ Gen 9 में जरूर अच्छी देखने जाती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिस्प्ले कलर्स की, डिस्प्ले की स्मूथनेस की, व्यूज एंगल की, तो नो डाउट वो आपको OnePlus Note 3 में ही अच्छी देखने मिलेगी। सेकंडली मैं बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमराज की, और कैमराज की यहाँ पर मैं बात करूँ तो OnePlus Note 3 में 50 MP ट्रिपल रियर कैमरा के साथ मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP, जहां पर सोनी IMX 890 सेंसर मिलता है, सेकेंडरी 8 MP एंड थर्ड है 2 MP। सेल्फी की बात करता हूँ, 3 MP की सेल्फी है, रियर साइड में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है। Gen 9 की तो ये स्मार्टफोन भी 50 MP के ड्यूल रियर कैमरा के साथ मिलता है, जहां पर प्राइमरी कैमरा 50 MP का, ये भी सोनी के लेंस के साथ मिलता है। एंड बात करता हूं सेकेंडरी लेंस की, तो 2 MP का सेकेंडरी लेंस है। सेल्फी की बात करें, 16 MP की सेल्फी है। तो दोनों स्मार्टफोन के सारे स्पेक्स मैं आपको दिखा देता हूं, दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स, और दोनों स्मार्टफोन की अगर मैं कैमरा क्वालिटी
क्वालिटी आपको दिखाऊं तो नो डाउट आपको जल्दी ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन से स्मार्टफोन में आपको कैमरा क्वालिटी बेटर देखने जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों स्मार्टफोन की वैसे कैमरा क्वालिटी काफी के हिसाब से अच्छी देखने जाती है, लेकिन चूंकि भाई वन प्लस नोट 3 में आपको अच्छे सेंसर देखने जाते हैं, अच्छी क्वालिटी देखने जाती है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा मिल जाता है कैमरा के लिहाज से, तो यहाँ पर जो कलर्स आपको देखने मिलेंगे, जो क्वालिटी आपको देखने मिलेगी वो आपको यहाँ पर थोड़ी बेटर देखने जाती है। तो नो डाउट मेरे हिसाब से वन प्लस नोट 3 की कैमरा क्वालिटी अच्छी रहने वाली है। आपको कौन से स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फाइनली अगर मैं बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की, दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी के साथ मिल जाते हैं, और दोनों स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो जो IQ Z9 है वो हमें 44 वोल्ट के चार्जिंग स्पोर्ट के साथ मिलता है, जबकि वन प्लस नोट 3 की बात करूँ तो ये हमें देखने मिल जाता है 80 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट के साथ। तो दोनों स्मार्टफोन में बैटरी थोड़ी बहुत सेम होगी, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड होगी वो आपको वन प्लस नोट 3 में अच्छी मिलेगी। तो ये दोस्तों सारे स्पेक्स दोनों स्मार्टफोन के जो कि मैंने आपको दिखाए, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी बात करते हैं कि अगर हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है और कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी होगा। देखो वैसे दोनों स्मार्टफोन एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से मिलते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है एक स्मार्टफोन को चूज करने की तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन। काफी अच्छा स्मार्टफोन है लगभग हर एक चीज में, कैमरा की बात हूँ, परफॉर्मेंस की बात हूँ, बैटरी की बात हूँ, डिस्प्ले की बात हूँ। तो ये थे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन कंपैरिजन, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट में, जय दोस्तों।